श्री मंदिर में अनेक उत्सव एवं पर्वों का पालन होता है। वैसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व भी श्री मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म नीति या जन्माष्टमी पालन के निमित्त उसकी प्रस्तुति एक दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के संध्या धूप पूजा होने के बाद भगवान जी को एक विशेष भोग लगता है जिसे जेउटा भोग कहा जाता है। इस भोग में भगवान जी को खीर, मिठाइयाँ, तरकारी, पिष्टक इत्यादि का भोग लगता है। भोग भगवान जी के सम्मुख आने के बाद मुदिरस सेवक के द्वारा महाप्रभु जी को प्रसाद लागी होता है। उसके बाद पूजा पंडा गण पंचोपचार पूजा के सहित इस भोग को भगवान जी को अर्पण करते हैं। भोग समर्पण होने के बाद पूजा पंडा पति महापात्र एवं मुदिरस सेवक के द्वारा महाप्रभु जी की आरती अनुष्ठित होती है। इसके बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की एक और आरती होती है जिसे कि गर्भोदक वंदापना कही जाती है। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी या जन्माष्टमी के दिन भगवान जी के संध्या धूप पूजा होने के बाद जय विजय द्वार को बंद किया जाता है। उसके बाद शुद्ध सुअर सेवक के द्वारा जगमोहन को साफ करवाया जाता है। उसके बाद पूजा पंडा सेवक के द्वारा श्री विष्णु सर्वत्र भद्र मंडल को बनाया जाता है और जन्म पूजा के निमित्त समस्त द्रव्यों का आयोजन भी किया जाता है। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर एक विशेष प्रकार का चित्र जिसे कि जन्मपटी कहा जाता है उस चित्र को भी रखा जाता है जिसमें कि एक अष्टदल पद्म अंकित रहता है जिसमें श्री कृष्ण जन्म के निमित्त विभिन्न चरित्र यथा देवकी, वसुदेव, गर्ग मुनि, उग्रसेन इत्यादि सारे चरित्र उसमें अंकित रहते हैं। यह सब कार्य समाप्त होने के बाद रत्न सिंहासन के सम्मुख सफाई होती है। उसके बाद पूजा पंडा पति महापत्र मुदिरस्थ जन्म पूजा के निमित्त संकल्प करते हैं। उसके बाद कलश में वरुण पूजा का अनुष्ठान होता है। वरुण पूजा के अनुष्ठित होने के बाद उसके बाद 9 भोग अर्पण किए जाते हैं। फिर पुष्प एवं चंदन अर्पण होते हैं। पूजा पंडा सेवक पंचोपचार में इस भोग पूजा को संपन्न करवा कर पुष्पांजलि देते हैं। उसके बाद दक्षिण घर से भगवान जी की सचल प्रतिमा श्री मदन मोहन जी रत्न सिंहासन की ओर आते हैं। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी से आज्ञामाला प्राप्त करने के बाद श्री मदन मोहन जी उस जन्म पूजा वाले स्थान में आते हैं। उसके बाद पूजा पंडा सेवक के द्वारा देवकी के गर्भ में बसे हुए श्री कृष्ण जी का ध्यान किया जाता है और उसी समय बाल कृष्ण मंत्र से मदन मोहन जी की पूजा होती है। पूजा के अंत में भगवान जी के चरणों में हल्दी का पानी डालकर उनके जन्म होने का उत्सव मनाया जाता है। फिर भगवान जी के जल दोष प्रशमन के निमित्त भगवान जी को जीरा, जावित्री, तेजपत्ता इत्यादि मिलाकर विशेष प्रकार का मसाला जिसे कि श्री मंदिर की भाषा में गंडूश मसाला कहा जाता है उसका भोग अर्पण होता है। उसके बाद मुदिर सेवक के द्वारा भगवान जी की आरती होती है। फिर पूजा पंडा सेवक के द्वारा गर्भ उदक कर्म एवं शीतल भोग षोडश उपचार पूजा के माध्यम से संपन्न होता है। फिर 2 पुष्पालक सेवक भगवान जी के उस जन्म पूजा वाले स्थान को गुप्त करके भगवान जी के जन्म निमित्त कर्म अनुष्ठित होता है। उसके बाद मुदिरस सेवक के द्वारा भगवान जी को प्रसाद अर्पण होता है। फिर भगवान जी को दूध, मक्खन एवं अनेक प्रकार का भोग लगता है और फिर आरती होती है। फिर भगवान श्री मदन मोहन जी को एक चांदी के थाली में बिठाकर महाजन सेवक उन्हें मस्तक पर उठाकर जगमोहन से देकर श्री मंदिर में स्थित सरस्वती मंदिर जिधर यमुना नदी की कल्पना होती है उस स्थान में जाकर यमुना पार करते हैं। फिर एक पूजा पंडा सेवक उग्रसेन के वेश में आकर भगवान जी को दंड प्रणाम करते हैं। इस अवस्था में श्री मदन मोहन जी परिक्रमा लगाते हैं। फिर श्री मदन मोहन जी श्री राम कृष्ण के साथ
श्री मंदिर में स्थित नाभिकटा मंडप की ओर प्रस्थान करते हैं। नाभिकटा मंडप में पूजा पंडा सेवक उधर वसोधारा का नाभिछेदन कर्म, पंचामृत से महास्नान इत्यादि कर्म होता है। उसी समय श्री मदन मोहन जी को श्री कृष्ण नाम से संबोधित कर उनका नामकरण भी होता है। उसके बाद भगवान जी का अन्नप्राशन एवं बहिर्निष्क्रमण भी होता है। फिर चूड़ाकरण और वस्त्र परिधान के साथ भगवान जी की विशेष पूजा होती है। उसके बाद जगमोहन में एक झूले पर भगवान श्री मदन मोहन एक साथ विराजमान करते हैं। फिर उधर भगवान जी को तिल के लड्डू एवं अनेक प्रकार के भोग की एक विशेष पूजा होती है। इसी के साथ श्री मंदिर में जन्माष्टमी का यह पर्व अनुष्ठित होता है। जय जगन्नाथ।